ओके ऑटो सर M&M में इधर एक लेवल था। ओके हाँ सर, यस सर। बाद में इधर एक 3P बनाया था ये दो कैंडल में। सर मैं यस कर सर। रहा हूँ अभी, ये मेरा इम्पोर्टेंट लेवल है। एक स्विंग किसने बनाया था इधर, टॉप गेनर बनाया था, इसको फॉलो कर रहा था मैं लास्ट वीक से। ऊपर जाना चाहिए था, नहीं है गैप डाउन की जैसे नीचे की रहता। आज क्या होना चाहिए, अगर नीचे को लाए ना पहले इसके ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि लोअर लो स्ट्रक्चर है ना सर, ये सपोर्ट तो होल्ड नहीं करेगा, उसके नीचे खुला है। सही है, जी सर। ये आज नीचे गिरना चाहिए। तो नीचे गिरना चाहिए तो क्या है, तो ये हाई के ऊपर गया सर, मानते हो। मानते हो तो क्या है, इसमें रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। जब ये हाई बनाया था, जो लास्ट जो सपोर्ट बनाया था, ये वाला क्या सर? नहीं तो इफ यू मार्क दिस एरिया, इज द फर्स्ट सपोर्ट वाज ब्रोकन, राइट? जी सही है क्या सर? देखो सर। इसने विद वॉल्यूम गया, इसने उससे भी ज्यादा वॉल्यूम्स पे वो लो को तोड़ रहा है, उसका मतलब क्या है? कंफर्मेशन हो रहा है नहीं रजिस्टर बना रहा सर। जी सर। सुना रहा। अभी क्या है, ये लेवल से इसे तोड़ दिया है ना, इसके नीचे भी क्लोज हो चुका है, तो ये लेवल से इसका बाइंग होना चाहिए नॉर्मली। ओके अभी क्या है, क्योंकि जी सर। इसने नीचे गया, ऐसा नहीं है कि भाई उधर वो जा रहा है, ये लेवल पे ये जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। इसने नीचे गिर यस सर। गया ना, ये भी नीचे गिर गया। मुझे क्या है, ये स्ट्रक्चर अभी लोअर लो में है, मुझे कोई रेजिस्टेंस को सेल कर सकता हूँ ना मैं। इधर हाँ यस सर। आपको क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस बनाया है इसने, रेजिस्टेंस बनाया सर। बनाया है। तो रेजिस्टेंस बनने के बाद अगर गिरना है तो ये लेवल से गिरना चाहिए। इसका जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है ये वाला है क्या, फिर हाँ यस सर। से ये गिरना चाहिए। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो लो को टच करेगा, नहीं किया, तो यही था ना। सर यही चीज ना मतलब क्लियर नहीं हो पा। जैसे कि ये जब गिर रहा था तो ये कंफर्म कैसे हुआ कि हाँ ये इसी रेशन से गिरेगा या वापस ऊपर नहीं जाएगा वो ऊपर वाले लेवल पे। हाँ इसका जो कंफर्मेशन है इधर हो चुका था, होगा ठीक सर। इधर, इसने नीचे तोड़ दिया है, इसका मतलब है उधर तक नहीं जाएगा। मतलब सर वॉल्यूम तो मतलब हाँ जी सर। ये लेवल से गिरना चाहिए, ये लेवल से इसने जी इसके नीचे क्लोज कर दिया ना क्लियरली नेक्स्ट कैंडल में। इसका हाँ किया सर। मतलब क्या है, इधर से मतलब मैक्सिमम इधर तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। वेट कर हाँ रहे तो मतलब हैं, फिर लो टूट रहा है, सही है ना, हाँ इसको भी लो टूट रहा है, वो नीचे हाँ गिर ठीक रहा है। सर। इसका मतलब क्या हो गया, अभी ये जो रेजिस्टेंसेस है उधर से वो गिरना चाहिए, ये लो है सर। देखो इसने इंट्राडे का नया लो बना दिया इसने इधर, हाँ यस सर। इसका मतलब है वीकनेस है ना सर, वीकनेस से तो कोई हाँ रेजिस्टेंस गिरना चाहिए ना, अच्छा ओके सर। तो ये लेवल से ये गिरना चाहिए। ये चीज को और कोई स्टॉक में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ टेक, वो मतलब कौन सा स्टॉक है, टेक ऐसे ऐसे बात, ICICI बैंक में आपको लेवल्स तो पता है। आई वॉज मॉनिटरिंग दिस एरिया 35, यस सर। एक कल गिरेगा सर, कल गिरना है इसको, ये लेवल को मैं मॉनिटर कर रहा जी था। सर। जब इसने मॉर्निंग में लो लो करके ऊपर जा रहा है, तो ये लेवल पे ना मुझे इधर कोई रेजिस्टेंस, इधर सपोर्ट बन रहा है ना सर, हाँ सर। इसके ऊपर सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट तोड़ दिया। यस सर। सपोर्ट तोड़ दिया का मतलब क्या है, ये इसका लेवल है यस सर। क्या, इसने इसके नीचे क्लोज किया,
नहीं क्लोज किया होता ना, आई कैन नॉट वेट फॉर दिस लेवल। अच्छा ओके सर ओके, इधर किधर भी कोई फॉर्मेशन बनेगा उधर से नीचे गिर जाएगा, इसके ऊपर नहीं जा सकता। सर क्लोज नहीं किया, लॉट टू वेट, क्योंकि लॉन्ग विद में है ना, अभी नीचे लो लो करके लॉन्ग में, जब तक लो लो में नहीं आएगा आई कैन नॉट ट्रेड, राइट। यस सर जब ये आ गया, ये लेवल से गिर गया, वो अलग बात है। वही लेवल से, ये केस में क्या है, जब इसने तोड़ा तो क्लियरली क्लोजिंग है, इधर तक जाना हाँ मुश्किल सर हो रहा है। आपका प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, ये चीजों को देखना, प्रीवियस कैंडल्स में जो हुआ है जी सर उधर, तो उधर जाके उसको देखना है क्या हुआ है बोल के, यस सर समझ रहे हो ना, तब ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें दो चीज हो सकता है, आप लाइव मार्केट में 100 स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो, 100 स्टॉक्स के बाद 101 पे आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, नहीं तो वही 100 स्टॉक्स को प्रीवियसली चेक करो ऑफलाइन जी मार्केट, सर जब कल होगा, कल मॉर्निंग ओपन करते हो वो 101 का स्टॉक होगा, उसमें गलती नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं यस करते सर हो, लाइव मार्केट में करते हो, तो ये मतलब होता है, डिपेंड्स ऑन यू, मतलब आपको मर्जी है, आप कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम, कोई पूछने वाला नहीं है। क्लियर है सर? यस सर ओके, और क्या क्वेश्चन था आपका? ITC में सर आईटीसी भाई का है। ITC ऊपर गया है सर, सेक्टर भी इसका ऊपर में था, कल हायर हाई था, ITC भी हायर हाई में था, ये भी ऊपर ही गया सर आज। आईटीसी क्या है, इट इज अ बाइंग स्टॉक नो, दैट्स अ इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। किसी ने मुझे मैसेज किया था, रंजन 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 रंजन, किधर है, सर राहुल ने किया था, राहुल नहीं, ऑप्शन ट्रेड के लिए नहीं, मैंने तो HDFC बैंक किया था एटीसी किसने किया था, किसी ने बोला था ना एटीसी, ओके राहुल राहुल शाह ने। ओके ओके, हुआ क्यों आता है, मतलब देर वाज अ वॉल्यूम रिकॉर्ड एटीसी में, देर वाज अ वॉल्यूम रिकॉर्ड, ओके, वेयर वाज द वॉल्यूम रिकॉर्ड, हाँ मतलब इसमें और इसमें वॉल्यूम रिकॉर्ड था, सही है, एक कैंडल सब कुछ ऊपर टूट रहा है, नीचे गिर रहा है, इसका हाइपोथेसिस वही होना चाहिए सर, ओके हाइपोथेसिस वही होना चाहिए, तो ये वही था एक्चुअली, ये लेवल को टच करना चाहिए था, तो 2 दिन में हो रहा है, क्या करें। हाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये वीकली के ऊपर खुल रहा है, सही है ना सर, जी सर ये वीकली के ऊपर खुल रहा है, तो भाई है, तो ये लेवल के ऊपर इसने खुल रहा है, सही है ना, जी सर हाँ लेकिन ना, सर स्ट्रांग ट्रेंड में समझ में आ जाएगा ना सर, जब आप स्ट्रांग ट्रेंड पढ़ाएंगे हमें। ठीक हाँ इसका इंपॉर्टेंट कैंडल किधर, ये गया भाई 39, इसका है कितना है, ओके भाई तो इधर है भाई 15, भाई 14, भाई 13, ये इसका इंपॉर्टेंट कैंडल है, सही है सर। जी सर आप हाई से ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हम ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है, वो मतलब तो ब्रेक इनसाइड नहीं है, लो टूटा है, तो ये लेवल है ना सर, इसको हिट करते ही आपको दिख रहा है इट इज मेकिंग हायर है सर। जी सर जी सर सर जी जी सर हिट करते ही इसमें हायर ही बन रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस अंदर ही है ना, नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इधर से ऊपर जाना चाहिए, वही इसने किया है, दिस इज द स्टॉप लॉस। कौन सा ओके सेक्टर है, एफएमसीजी, एफएमसीजी सर FMCG सर
सर इसमें भी ऊपर खुल के बता रहा है ना आपको, जी सर, आप भाई से भी ट्रेड कर सकते हो, ये ऊपर खुल के ये बता रहा है, अरे हो जाएगा बिल्कुल। जी सर, पर आज मेरा JSW स्टील में SL हो गया, समझ में आ रहा है शायद मेरा ट्रेड स्टॉक सिलेक्शन ही गलत था सर, मे भी हो सकता है। वो स्टॉक तो डेली ब्रेकआउट में था ना सर कल, जी सर, मेरा मतलब उसको ट्रेड नहीं करता मैं, छोटा स्टॉक बोल के, तब छोटा था अभी नहीं है। सर मैं इसको वीकली फर्स्ट वीक के हाई से बाई कर, वहां पर अब हाई हायर हाई भी किया था सर और विद वॉल्यूम किया था सर। ये हायर आई, लोअर टर्न हायर आई, सही है ना, हायर आई है, जी सर, फर्स्ट हायर आई फॉर्मेशन में है स्ट्रक्चर वीक के हाई से सर। में, ये वीकली के हाई के ऊपर भी है। जी सर, जी स्ट्रॉन्ग ओपन भी हुआ था सर ये। जी निफ्टी होटल क्या स्ट्रक्चर में था सर? सर, लोअर लो था और लेकिन सर ये भी रिलेटिव पोजिशनिंग के अंदर खुला था, मतलब पिछले दिन के हाई के, पिछले दिन के रेंज के अंदर खुला था सर ये। पिछले दिन के रेंज को सपोर्ट भी सर ले रहा था। नहीं, सुनो सर, ये स्ट्रक्चर लो हाँ है जी सर, लोअर लो है, सही है, स्ट्रक्चर जी लोअर लो है, निफ्टी भी लोअर लो है, सही है, जी जो स्टॉक आपने बात कर रहे हो वो हायर है एक्चुअली। ये लो वोलेटाइल है, हायर सर, आई है, जो स्टॉक में आज लो वोलेटाइल के है ना सर, ICICI बैंक बाद में जो स्टॉक्स है वो सारे कल गिरना चाहिए। ये लो वोलेटाइल है जी सर, सर, एक लोअर लो किया था ना इसने, ये क्या है मतलब, सॉरी लो वोलेटाइल है, सेक्टर इज लोअर लो, सही है ना, आप किसका बात करें सर, रिलेटिव जी क्वेश्चन सर, का मतलब, अगर इसके अंदर है ये क्या करना चाहिए, ये हाई को तोड़ फाड़ के, ये हाई को ब्रेक करके बाहर निकलना चाहिए, समझ रहे हो क्या, ये हाई को तोड़ के बाहर निकलना चाहिए बाई के लिए, इसमें क्या जी व्हाट सर। इज द मतलब, आप क्या देख रहे हो इसमें, क्या क्या हो रहा सर ये है, प्रीवियस जो प्रीवियस टू प्रीवियस डे का लो पे सर ये सपोर्ट ले रहा था ना सर, तो इसीलिए सर मैं, इधर से, सर जो कैंडल आपने मार्क किया ना सर, उसके लो पे सपोर्ट ले रहा था। इधर से, जी, इधर से ये सपोर्ट ले रहा है ना, मुझे एक चीज क्योंकि सर बता, कल निफ्टी कल सर ये स्टॉक भी इसके अंदर खुल के अंदर ही क्लोज किया था ना सर इसके। जी सही है सर, अब ये बोल कि भाई इधर से ऊपर जाएगा, सही है ना, जी JSW आपने कोई इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क किया होगा, कौन सा लेवल था वो, वही सर, वीकली हाई फर्स्ट वीक का हाई सर। ये वाला है क्या, अच्छा जी यहाँ पर सर इसने टच करके हायर हाई भी किया था विद वॉल्यूम सर। ऑलराइट सर, वही तो सर, अब इसी को बोलने का कोशिश कर रहा हूँ मैं बार बार, आपको समझते नहीं हो सर, यू आर नॉट अप्लाइंग, अप्लाई करना भाई, अप्लाई करो नो? मैं क्या बोलता हूँ, अगर बाई करना है आप मेक श्योर दैट निफ्टी इज ट्रेडिंग अबाउ, सेक्टर इज ट्रेडिंग अबाउ, ओके, ये तो नहीं हो रहा है ना, आपको दिख रहा है ये एलिमिनेटेड है, सही है ना, सिंपल है, मैं लास्ट जी बार सर, सर इसके बाद नहीं बोलता, मैं थक चुका हूँ, नहीं सर, क्लियर है सर, ओके, क्लियर अभी है। जी क्या है, अगर मान लो इसने हायर आई भी किया है, हायर आई भी किया है, अंदर ट्रेड हो रहा है, ये केस में क्या होना चाहिए, आपका जो सपोर्ट आप जो बोल रहे हैं उधर हायर आई फॉर्मेशन होना चाहिए, जब ये चीज नहीं होगा ना सर, निफ्टी एंड सेक्टर इज नॉट सपोर्टिंग, ये तो गिरेगा इधर से, ओके, जी वही तो बोल रहा हूं मैं, सर, मतलब कितने बार बोलू, क्या बोलू, कैसे बताओ, मुझे इतना ही आता है सर, जिग नहीं आता है मुझे, जिग से सर हायर हाई करना चाहिए था इसको। जिगजैग हायर आई बाद में करेगा, एटलीस्ट आपका क्या होना चाहिए सर, नहीं, ये केस में तो नहीं है ना सर, वही नहीं होगा ना सर, हो चुका हूँ सर, क्या होता है, इट इज नॉट मेकिंग हायर आई ऑल्सो, इट इज नॉट ट्रेडिंग एबो द हाई ऑल्सो, इज दिस अंडरस्टूड टू यू, इज इट विजिबल टू यू, जी ऑल राइट, निफ्टी मेटल इसने सर, हायर आई भी नहीं किया है, इसके ऊपर भी नहीं कर रहा है, ये लोअर लो स्ट्रक्चर में है, इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू यू, जी, समझ में आ गया सर। हाँ आप जी वही सर, करना चाह रहे हो कोई सपोर्ट को, क्या होल्ड करेगा सपोर्ट को,
नहीं हाँ तो वही है, उतना ही है सर। हाँ इसको नहीं सर, आ गया प्रैक्टिस समझ में। ये प्रैक्टिस करो ये। हाँ ये सेल का स्टॉक है, देखो जी जी इसने हाई को टच नहीं किया है, ओके इसने हायर आई किया था जी ना, सर, मतलब लो वॉलेटाइल है ये, हायर आई है, इसका मतलब क्या है, ये इसका हाई है, वेयर इज द इम्पोर्टेंट, वेयर इज द इम्पोर्टेंट कैंडल सर, इज दिस वन, दिस वन, जी सर, ओके। अगर मुझे जो मतलब हम जो देखते हैं ये इसका इम्पोर्टेंट कैंडल है, सही है ना सर। जी सर, देखो इधर भी रुकता नहीं है, यू नो द आंसर, जी निफ्टी इज नॉट मेकिंग हायर, सेक्टर इज नॉट मेकिंग हायर, राइट, इट इज नॉट ट्रेड, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट जी ट्रेडिंग सपोर्ट, अबाउ, इट इज नॉट ट्रेडिंग अबाउ बोथ, सेकंड इट इज नॉट जी मेड हायर आई, हायर आई, यू डो, यू शुड नॉट हैव अ थॉट ऑफ कंफर्मिंग द ट्रेंड हियर, ये सेल का ही जी है, सर, ओके। अगर इसमें आप सेल करना ओके सर, चाहते थे तो आप क्या कर सकते हो सर, मतलब ये हाई बनाया था ना, इधर हाई बनाया था, अभी तक का हाई इधर बनाया था, सही है, जी सर, हाई बनाया है, इसका मतलब जो लास्ट टूटा हुआ कैंडल है अपसाइड में वो वाला है, सही है क्या सर, ये वाला कैंडल है, ये जी सब सर, ये जो जोन है, जब ये लेवल पे जी सर, आएगा सर, ये लेवल को इसने मतलब वो जो है उसको भी टच नहीं किया है, इसने नीचे तोड़ चुका है, नीचे जी सर, तोड़ चुका है, अब मैं मतलब ओके, अभी इसने किसी नीचे क्लोज नहीं किया है, अभी क्या होना चाहिए, ये ऊपर निकलना चाहिए, अगर नहीं निकलता है तो जी फाइंड ए फॉर्मेशन हियर, इधर एक सपोर्ट बना रहा है विद वॉल्यूम, आपको दिख रहा है ये विद वॉल्यूम ये जी नीचे टूट रहा है, सो दिस शुड बी द जी एरिया फॉर यू, हाँ देयर इज नो थॉट ऑफ जी बाई, सर, हाँ देयर इज नो बाई, एंड सेक्टर ओके इज, सर, ओके, इट इज यस्टरडे इवनिंग, यू शुड बी कमिंग टू नो दैट इट इज नो बाई टुडे, सेक्टर इज लोअर लो, अगर सेक्टर इसके ऊपर खुलता है तो कुछ करेंगे, जी सर, सेक्टर किधर है सर, ओके सर, क्लियर हो गया, हाँ ओके सर, सेक्टर क्लियर हो गया, लोअर लो है एटलीस्ट, ये जो मतलब इसके ऊपर खुलने दो, अगर ये हायर भी किया ना सर, ये नहीं है, ये ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं हो रहा है इसका जो, अगर हायर हाई भी किया होता, अगर सर हायर हाई भी किया होता तो भी बाई किया जा सकता था, अगर है नहीं तो कहाँ से। नहीं है देखो इसके ऊपर होना चाहिए सर, ये अगर मान लो ये हायर ही किया ना सर, ये क्या है, लो जी लो ओके, स्ट्रक्चर है, किधर भी सब गिर सकता है, इसके ऊपर होना चाहिए, और प्रैक्टिस करोगे सर इन चीजों को, देखो सर व्हाट इज ट्रेंड कंफर्मेशन सर, ट्रेंड कंफर्मेशन इज दिस वन, व्हाट इज ट्रेंड कंफर्मेशन, इट इज लोअर लो राइट, जी सर, अगर मान लो ये लो कर दिया आज, इसका मतलब है ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग, इधर किधर से भी आप ट्रेड कर दो नीचे गिर जाएगा, ये लोअर लो ओके, है, ये ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं है, ये गिरना इधर से शुरू हुआ, किधर से भी गिर सकता है इधर, दिस इज नॉट ए ट्रेंड कंफर्मेशन, ठीक समझ रहे हो, ये है सर, हाई रही कर रहा है, जब इसको हाई तोड़ेगा दिस इज अ ट्रेंड कंफर्मेशन, जी ये सर, लो कर रहा है, ये हाई तोड़ रहा है, दिस इज नॉट अ ट्रेंड कंफर्मेशन, ट्रेंड कंफर्मेशन इसके ऊपर जब रिकॉर्ड होने के बाद ये क्या करेगा, ये होने के बाद इधर जिगजैग में हाई करेगा, इधर से ये बाई हो सकता है, ब्रेकआउट बोलते हैं उसको हम, ठीक है सर, ठीक है, इधर कभी भी बाई नहीं था, जी सर, जी, ओके, वही चीज, हाँ यू यू टेक एनी मतलब जो लोअर लो किया था प्राइवेट बैंक का स्टॉक्स है उसको सपोर्ट्स को चेक करो सर, जी सर, वो सपोर्ट्स पे सपोर्ट नहीं ले सकता है वो, बाई नहीं हो सकता है, ठीक है सर, तो चाहिए तो आई विल एक्सप्लेन यू एनी ऑफ द स्टॉक इन प्राइवेट बैंक और एनी अदर बैंक, बताना है क्या, सब कर दे, जी सर, बता दीजिए सर थोड़ा, हाँ निफ्टी प्राइवेट बैंक है, ओके, इसने क्या किया था कल, इसने लोअर लो किया था, सही है, व्हाट जी सर, इज द स्ट्रक्चर सर, लोअर लो है, सही है ना सर, इसका कोई जी सर, स्टॉक जी लोअर लो में है, उसको आप सेल कर जी ठीक सकते हो, हमने देखा ना सर है सर, कोई भी एक स्टॉक ऐसा नहीं था कि वे लोअर लो किया है, जो स्टॉक हायर आई किया जी है वीक क्लोजिंग हुआ है, जी उनको मैं सेल के लिए रख सकता हूँ आज के लिए 3G के हिसाब से, जी सर, वो भी नहीं है, कोई स्टॉक मिला नहीं है, जो जी सर, वीक खुला था और वीक क्लोज हुआ था आज रेंज बाउंड ओपनिंग हो रहा है, जी ठीक वो स्टॉक्स में हम नहीं कर सकते हैं, वही स्टॉक जेएसडब्ल्यू है सर, जो है दो जी लोग है, ये हाई वोल्टेज कैंडल है, एक किधर भी टच किया हो तो भी नो प्रॉब्लम, आप
ये होने के बाद भी आप इसको ट्रेड कर सकते थे जी सर। एक्चुअली जब तक प्राइवेट बैंक सर को। आ सर मेरे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ये मेरे डाउट पे था सर, मैंने लिख के रखा था ये मेरे डाउट पे है, वो हाँ क्लियर हो गया सर। फाइन फाइन जी सर फाइन। मेरा प्रैक्टिस में भी ये डाउट्स आया था, दिक्कत आया था, तो वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। जी जी हाँ सर जी ओके, इसमें जी क्या सर होगा, यू हैव टू वर्क। अभी ये समझ में आ गया ना, यू हैव टू सिट बैक नाउ। हाँ ठीक है सर। 2 o'clock हो गया, 2 बजे तक बैठना है, नहीं तो अभी सो जाना है, 4 o'clock उठना है। ये जो कॉन्सेप्ट आपने अभी जो आपने बोला, दो चीज क्लियर हो गया, वो चीज जो क्लियर जी हुआ सर। वो चार्ट में जाके देखना, अरे जी सर जी उस दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। आप क्या कर जी सकते सर हो, यू कैन डू इट इन द लाइव मार्केट ऑल्सो, बट यू हैव टू जी वॉच 100 ट्रेड्स। उसका एक ऑल्टरनेटिव आप कर सकते हो, क्या है, लाइव मार्केट से पहले मैं 100 चार्ट्स को देख सकता हूँ, जी सर। तो विच इज बेटर, यू डिसाइड सर। सर पहले 100 चार्ट सर देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। 100 ट्रेड्स करते करते 6 मंथ्स जाएगा। ओके, जी जी सर 6 मंथ्स में आपको ऐसे भाई कुछ नहीं हो रहा है, इधर नेगेटिव हो जाते हो आप टूट जाते हो। अब करना जी क्या सर था, आप नहीं किए। लाइव मार्केट में 100 ट्रेड्स करने गए, वही 100 ट्रेड्स को आपने ऑफ मार्केट में चेक किया होता तो आपका ट्रेड सुधार लेता होता, 6 मंथ नहीं चाहिए होता आपको। आप जी सर जी करते नहीं सर है, मतलब आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट यू सर, एवरीबडी जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको करना वो है, जो कॉन्सेप्ट आपको पता जी है सर उसको प्रैक्टिस करना है ऑफ मार्केट आवर्स में। ओके सर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पता है, 3 GB समझ में आ जाता है, वीकली का मार्क कर दो, चेक करो सपोर्ट किधर था, रेजिस्टेंस किधर था, क्या हुआ वो दिन पे, कैसे ओपन हुआ। हाँ अगर यही जी चीज सर आप मार्केट में निकालते हो ना, टू डू 100 ट्रेड्स इट टेक्स 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में डेफिनेटली यू कैन नॉट डू इट, बिकॉज एक बार दो तीन बार देख लेते हो भाई, चौथी बार आप क्या करते हो, मतलब ये होने वाला चीज नहीं है। हाँ जी मतलब सर सिर्फ इससे होगा, मुझसे होने वाला चीज नहीं है, तो बोल के छोड़ देते हैं। है उसके लिए मैं बोलता हूँ जी जी स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, अपडेट करो, कुछ नहीं किया मतलब नॉट, सिर्फ आपके लिए नहीं बोल, सबके लिए वो ऐसा करना है, नहीं तो ये होने वाला चीज नहीं है सर। जी सर इसके देखो मैं जो बताया ना, उसके बिना तो कोई और कोई चीज नहीं होता है सर मार्केट में, देयर इज नथिंग। ओके, सब ओके कुछ सर बताया हूँ, सब कुछ। देखो क्या होता है, कोई नया चीज मिल जाता है मुझे, अपडेट करना है आप लोगों को, मैं वीडियो बना के भेज देता हूँ, नहीं तो एक क्लास कर लेता हूँ, नहीं तो कोई किसी को किया उसको वीडियो भेज देता हूँ। मैं क्या बोला था, यू हैव टू वॉच दैट वीडियो। ऐसा नहीं है कि भाई जो बोला गया है वही है, नहीं है, जी सर वो नहीं करना वीडियो सब, कोई मतलब ये नहीं है, मतलब दैट्स फाइन सर। ऐसा नहीं है सर सारे लोग ट्रेडिंग में कमा के जिंदगी बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है ना, और भी जी भी कर सकते हैं ना, लोग जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जी रहे हैं ना। हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट डिपेंड्स ऑन यू। ऑल राइट, कोई क्वेश्चन है सर, एलटी में क्या था सर, एलटी में किसने पूछा था, दीपांश है, एलटी नहीं सर, एलटी आ गया, एलटीआई माइंड। एलटी है, हमने इसमें पूछा था गिरना चाहिए उठेगा नहीं है। एलटी नहीं सर, एलटीआईएम। ओहो LTIM, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, ये क्या होगा, आपको लाइव मार्केट में जब मार्केट ओपन होगा ना, ऊपर नीचे हो जाएगा, हाँ पता ही नहीं है क्या हो रहा है आपको। प्रैक्टिस करोगे ना रात भर, हाँ उसका कॉन्फिडेंस ही अलग है, उसको देखने का तरीका ही अलग हो जाएगा मॉर्निंग में। उसके लिए मैं थक चुका हूँ, उसके लिए सारे बंद कर दिया। प्रशांत आपने वो ट्रेड अपडेट किए थे क्या? सर मैंने किया था सर नहीं, आपने किया था वो नहीं चाहिए, मतलब दैट इज ओनली फॉर 5 डेज रिवीजन के लिए प्रशांत नहीं है हाँ क्लास सर किया सर मैंने किया था HDFC में में, नहीं देखा हूं क्या, यस ये सर ये था क्या लेवल से सर, ये क्या लाइन चाहिए।
वही वही जो आपने मार्क किए थे वही है सर नहीं, लेवल। वो नंबर सारा आता है ना, वो व्हाट इज दैट एक्चुअली? सर अच्छा समझा नहीं मैं आप। अच्छा ये नंबर सारा है ना सर, ये क्या है एक्चुअली? ये 2 3 4 सर ये टारगेट के लिए लगा के रखता हूँ मैं, मतलब वो नंबर पता लग क्यों जाता आते है। वैसे? कौन से वो नंबर सर क्यों आते वैसे? सर ये वो होता है ना स्टॉप स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग कहाँ पे आपके टारगेट कितने हिट हो जाएंगे, तो जैसे ये 1:2 फायर्स में ऐसे आ जाएगा, इसमें आएगा क्या ऐसे? यस सर, ये इसमें टूल है सर फिबोनाची का, उसको हाँ रिवर्स करता है। फिबोनाची को यूज कर रहे हो आप? नहीं सर ये टारगेट लगाने के लिए यूज, मतलब वो पता लगता रहता है ना कि कितना टारगेट हो मिल रहा है, 1:2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 आ गया। ओ इज इट, वो ए यस वन सर टू वो स्टॉप है लॉस क्या? ये रेड रेड ये टू वाला ये मेरा स्टॉप लॉस था, हाँ, इसके मल्टीपल्स में चल रहे हैं ये। नहीं और इधर तक आ गए तो 1:6 मिल जाएगा क्या? ये 1:5 सर, मतलब 1:5 मिल जाएगा ये, ऐसे जीरो अगर 8 में आ गए तो से स्टार्ट तो ये 7 मिल जाएगा। हाँ, वो ओके 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 ये ओके वो सर वो फिबोनाची को थोड़ा एडिट करके टारगेट के लिए यूज करता है हाँ। ये कौन सा ऐप है, कौन सा सर। ब्रोकर? फायर्स फायर फायर्स में, फायर्स में। यस अभी क्या है, आपने ये कौन सा लेवल को मार्क किए थे? सर, ये जो आपने अभी उसमें मार्केट में बताया था 16 20th का लो, वेरी गुड। तो उसमें तो उसको देखो क्या करना है बोल के। ओके अभी मैं नेक्स्ट मंडे तक मैं कुछ नहीं करूंगा सर, नो प्रॉब्लम। मैं अपडेट भी नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, नहीं तो ये ग्रुप में भी निकाल दूंगा मैं, ऑलरेडी मैं बताया हूँ। ओके कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक। ये किसका था? ओके नीरज। लिंक्डइन एसएस में 35.35 पे। ओके नो प्रॉब्लम, 35 पे एंट्री हो सकता था लेकिन टारगेट बढ़ा। श्रीकांत है क्लास में? सी यू मार्क द रॉन्ग लेवल्स, वेट। क्या है एक्चुअली जिग्जा, क्या होता है ये? ये क्या होता है सर, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? ये क्या, ये फायदा क्या है इसका? कोई पंडित से सीखा होगा, मुझसे नहीं। हाँ LTM, ओके निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी का रेजिस्टेंस ये था, आपको पता है ना सर? यस सर निफ्टी आईटी को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर जाना चाहिए, कल लो वोल्टेज कैंडल्स ने बनाया था। यस सर ओके ना LTM का मतलब व्हाट इज द, ये वाला सर व्हाट इज द, सर मैं देख रहा था कि वो देखिए जो 7th का हाई है, 27th है, उसको मैंने एक मार्क किया जिसके ऊपर लास्ट बाइंग आया था। हाँ इसका हाई, क्या है? अच्छा और ये लास्ट बाइंग का कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज नहीं दे रहा था, तो उसके ऊपर जो लास्ट ग्रीन कैंडल क्लोज दिया उसके अंदर ही सारे है। इसका 50, इसका क्लोजिंग 45। हाँ हाँ सर, और आज देखिए लास्ट शॉर्ट बना है, और निफ्टी आईटी हायर आई में आज आज माइक्रो में जाइए तो लास्ट शॉर्ट बना है। वो कल के लिए आप देख रहे हो सर? यस यस कल के लिए देख रहा था। ये लास्ट शॉट है। हाँ तो निफ्टी आईटी आज हायर आई में। इस पे क्या हो सकता है सर? ये स्पेकुलेटिव फॉल है आज। ओके जी सर वो कल के लिए ही देख रहा था। स्पेकुलेटिव फॉल है, जब ये स्पेकुलेटिव फॉल है हाँ, इधर किसने ट्रेंडिंग जोन को बनाया है, सही है ना? यस ये तो उसके है ऊपर क्लोजिंग जो रेजिस्टेंस है, और ट्रेंडिंग जोन को पकड़ सकते हैं, नहीं तो जो रेजिस्टेंस है मतलब लो तोड़ के नीचे गिरा है, दिस वन राइट, ये वाला है। हाँ यस सर देखते हैं इसके ऊपर का क्लोजिंग है, सही है ना सर? यस सर अगर कल मॉर्निंग में इसके ऊपर ट्रेड होना जाता है,
आपका एंट्री ए यस सर लेवल से होता है सर, 5385 से। यस सर ये क्लियर है क्या यस सर। बाद में? कल सर माइक ब्रेकआउट भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये, हाँ ये इसका स्टॉप लॉस है 74, जो स्विंग लो बनाया है ना इधर। एक्चुअली मुझे बाइंग को देखना है, जो लास्ट क्लोज किया है मतलब लो किया है उसके नीचे 74 ये वाला है इधर से, वही हाँ वही देख रहा था। ये लेवल से ये जाना चाहिए सर, और जाना है तो, क्योंकि इसने क्या किया है, ये वाला था ऊपर गया है, सही है ना? ये एक रेंज इसने इधर बनाया था, इसके ऊपर भी नहीं तोड़ रहा, नीचे यस भी सर नहीं तोड़ रहा, सही है ना? यस सर तो शायद ये ऊपर नहीं जा सकता सर। ओके क्योंकि इसको इसने तोड़ा था, सही है क्या? मतलब तोड़ा का मतलब ऊपर एक रेंज को इसने बनाया था, यस ये इसका टारगेट है सर, कल आएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर हाइयर है ना, अभी स्ट्रक्चर हाइयर है तो लो वोलेटाइल कैंडल, सही है? निफ्टी स्ट्रक्चर हाइयर है ये, यस आई कह रहे हैं हाँ ये हाई के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है ना, यस सर ये क्या होना चाहिए सर, ये खुलना चाहिए बाहर, नहीं जी सर। अगर तो ब्रेकआउट होना बाहर चाहिए। बाहर खुला सर, अगर बाहर खुला तो तभी पोजीशन बनेगा। 200 पॉइंट्स ऊपर नहीं होगा सर, भाई नहीं होगा ये, भाई नहीं होगा, भाई नहीं होगा, क्योंकि निफ्टी ये हाई के ऊपर खुलना मुश्किल का बात है सर, ये वीक वन का ही है ना सर, सर तभी तो ये ट्रेंड में आ जाएगा। मतलब ये लो लो है ना सर, ये किधर से भी ये गिर सकता है, अगर हम देखते हैं इधर इस निफ्टी को कितना ट्रेड हो रहा है, 93 इधर ही देख सकते हैं ना, ये देख लो लो किया था ना सर, यस अभी तक देखो हाई पे रेजिस्टेंस ले रहा है। लो लो ये सर, ऐसे नहीं है कुछ मैजिक हो रहा है इसमें, कल गिरना चाहिए सर। लेकिन नहीं तो आज खुलता था बाहर, आज निफ्टी सर बाहर खुलता था सर, अगर जाना है ना जाता था। एक्चुअली क्या है, इधर से कितना नंबर इधर तक तो जाएगा, मतलब ये जोन है, पता नहीं इधर मिलेगा इधर नहीं मिलेगा, नहीं तो इधर गिरा है ना सर, यस ये पहला सपोर्ट था, सही है, मैक्स सर टू मैक्स लेवल है सर। ओके उधर से, लेकिन अगर इधर गया तो एक अच्छा मोमेंट आ सकता है, नहीं तो ये खुलना चाहिए इसके नीचे, वो भी मुमकिन है भाई, भाई वही तो दिखा रहा है, मैं सोचा कि भाई कुछ नेगेटिव ओपनिंग होगा, कुछ नहीं, अगर ऐसा नहीं है ना ट्रेड करने के लिए बोरिंग लगेगा भाई ये जोन में ना, 354 के सर नीचे खुलना चाहिए। ये जोन में देखेंगे क्लोज किधर करेगा। ओके ये बोला है ना सर, सही है ना सर, नीचे खुला क्या होगा, अगर जिफ्ट निफ्टी इसके नीचे खुलता है 354 के नीचे मॉर्निंग, निफ्टी भी उधर खुल जाएगा उसके नीचे, निफ्टी भी इसके नीचे खुल जाएगा सर। ओके निफ्टी भी इसके नीचे खुलेगा, जब निफ्टी गया इसके नीचे खुला तो
समझ रहे हो सर, ये सारी चीजें देखना सर। सर HDFC बैंक हाँ सर, इफ इट मेक्स ओपनिंग ओनली लोअर लो द रिट्रेसमेंट विल बी फेल्ड, इज इट राइट सर, द 10 PM रिट्रेसमेंट हाँ व्हाट्स अप इन एलडीआई है। HDFC बैंक, HDFC बैंक सर। एचडीएफसी बैंक क्वार्टर पंचल सर ओपनिंग ओनली लोअर लो हैज डन ना सर, इन क्लियर कर ओपनिंग दीजिए। इन 5 मिनट्स सर। हाँ इन ओपनिंग ओनली इट हैज मेक लोअर लो एंड द 10 PM मूव इज द रिट्रेसमेंट लाइक इज देयर ना, 10 PM सर, 10 AM, 10 AM टू 10:30, सो दिस विल बी मे बी वीक रिट्रेसमेंट एंड दिस सपोर्ट वोंट बी होल्ड, कैन वी थिंक लाइक दैट सर? ना, इट इज लोअर लो ना सर, यस सर, फर्स्ट हाई ब्रोकन इज दिस वन फ्रॉम हियर टू फॉल। एंड आई मार्क शॉर्ट सर देयर एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, सी आई एम हियर मॉनिटरिंग। इन दिस कैंडल देयर इज अ इंपॉर्टेंट लेवल, ओके मार्क दैट लेवल, देयर कैन बी अ बाय आल्सो टुमारो, इफ नॉट इट कैन कम टू दिस एरिया। हां 605, आर यू देयर इन द फर्स्ट सेशन सर टुडे? यस सर, यस सर, यस सर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू सर, दैट रिट्रेसमेंट विल बी वीक और स्ट्रांग, वी कैन बी प्रिडिक्टेड दैट द ओपनिंग लो, ओपनिंग इटसेल्फ लोअर लो, What are दैट्स you? व्हाई दिस रिट्रेसमेंट मे बी वीक, इज इट राइट सर, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक दैट। You don't check in 5 minutes, sir. Check in. It's a low speculative fall. It should gap open gap down if it wants to fall. नहीं तो इसका जो important candle है 25 पे है, उस उधर से ये एक अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है एक दिन के लिए। For today's trade only, I am observing only, sir. For today, for not tomorrow. Today I told you, no, sir, this is the level, okay? Here I told, no, how many times, sir? Only one Yes, minute. sir. You have told, sir, but I am asking that this retracement is there, na, sir. 10 AM to 10:30 AM retracement, sir. Yes, sir. This is retracement. This one, sir, bullish leg is there, na, sir. This one. 10 AM to First, 10:30. it is a lower low. This is retracement. It is main leg. This is retracement. That one only I am asking, sir. That retracement will be weak if it is makes lower low in opening itself. Can we Tomorrow? think like that? Tomorrow. No, sir. Today for today trade only, sir. I am marked large shorts here. Last shot of which day? Yesterday. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. No. This one. Yes, sir, exactly. Yes, sir, that's why you opening only it makes lower low, that retracement will be weak or strong. Can you imagine like that, sir? That's why I'm asking you, sir, Okay. for today's trend. Yeah. It's not a lower low. This is a retracement from first high, which is broken. From there, you can take an Yes, entry. sir. Yes, sir. Yes, sir. Don't make complicated. Everything is same level only. Huh? Okay, sir. Then, huh? Take care. I will share this video in the name of revision, intraday revision. Okay, by morning I will share. Huh? Yes, sir. Take care, sir. Good Okay, night. sir.